हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती की रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगलेस केक रस्क की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केक रस्क। केक रस्क बनाने के लिए सबसे पहले हम केक बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है। इसके अंदर 1.5 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक बोल लेंगे। बोल के अंदर हम 1/4 कप घी डालेंगे। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1/4 कप इसके अंदर ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल हमें डालना है, फ्लेवरलेस होना चाहिए ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम 3/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से फैट लेंगे क्रीमी मिक्सचर बनने तक। अब हम इस मिक्सचर के अंदर 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा क्रीमी मिक्सचर बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसके अंदर हम मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो हमने लिया था इसे छानकर इस बोल के अंदर डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1 कप दूध हम डालेंगे। रूम टेम्परेचर का दूध ही मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक लम्प फ्री बैटर हम तैयार करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फैटना नहीं है, केवल मिक्स करना है। अरे दूध को डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डालेंगे। यहाँ पे मैं येलो फूड कलर भी डाल रही हूँ जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर डाल लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफी बनता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून विनेगर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं केक OTG में बनाऊँगी, जिसे मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। इसके बाद मोल्ड को हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके इसके अंदर आटे से डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर हम बैटर को डालेंगे, थोड़ा सा मोल्ड को टैप करेंगे और इसे 40-45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 45 मिनट्स बाद हम एक बार केक को चेक कर लेंगे। टूथपिक डालकर हम देखेंगे, टूथपिक एकदम क्लियर निकल रही है। हमारा केक बनकर तैयार है। इसे रिंग के ऊपर इस तरह से रख कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। चाकू की हेल्प से इसके किनारे में निशान बनाएंगे और इसे इस तरह से प्लेट में ले लेंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। पीछे से भी ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। इसे फिर से एक बार थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम चाकू की हेल्प से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से काट कर तैयार करेंगे। इस तरह से हम मीडियम थिकनेस के पीसेस तैयार कर लेंगे और इन्हें बेकिंग ट्रे के अंदर सेट करेंगे। फिर इसे हम 15 मिनट के लिए वन साइड से बेक करेंगे। फिर पलट कर 15 मिनट बाद दूसरी साइड से भी बेक कर लेंगे। इस तरह से हमारे केक रस्क बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे।
यहाँ पर हमें ओटीजी को प्रीहीट नहीं करना है, सीधा हम 15 मिनट पर इसको 150 डिग्री पर बेक होने के लिए रख देंगे। इसके बाद पलट कर दूसरी साइड से भी हम 15 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से रिंग रखकर इसे इसमें भी बना सकते हैं, और प्लेट के अंदर फॉइल पेपर लगाकर उसके अंदर आप इसे अच्छे से बेक कर सकते हैं। अब हमारे केक रस्क एक साइड से बेक हो चुके हैं, इन्हें पलट कर हम दूसरी साइड से भी 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। पंद्रह मिनट बाद इन्हें निकाल कर हम एक प्लेट के अंदर ले लेंगे और बाकी के बचे हुए केक रस्क भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी केक रस्क आपके बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे आपको ये लगेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक केक रस्क मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, देखिए कितना क्रिस्पी और सॉफ्ट हमारा केक रस्क बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती की रसोई। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।